बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट राना शहबाज एक और वीडियो के साथ, एक और स्ट्रीट टूर के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीसेंट 10A में, और स्ट्रीट टूर देने का मकसद ये होता है कि आपको उस प्रीसेंट के अंदर जाके ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखाना, वहाँ पर जो है वो क्या है क्या नहीं है, वहाँ पे क्या बन चुका है, क्या बनने वाला है, रेट क्या है और सराउंडिंग क्या है, ये वो सारी चीज़ें जो है वो दिखाना मकसद होता है। अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीसेंट 10A में, और ये बिल्कुल इंटर होते ही राइट साइड पे आपको शॉपिंग गैलरी जो है वो देखने को मिलती है। बिल्कुल कैमरे की आँख से आप देख रहे होंगे प्रीसेंट 10 शॉपिंग गैलरी। अच्छा जी, ये गैलरी दी गई है यहाँ पर हेल्थ फार्मेसी, आगा जूस, और इसके साथ आपको सैलून मिलेगा, ब्यूटी पार्लर मिलेगा, मतलब कि इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको गैलरी में आसानी के साथ मिल जाती है। ये सारी जहाँ जहाँ पर बहरिया होम्स हैं, जहाँ पर बहरिया ने प्रीसेंट दिए गए हैं, ये चीज़ें जो है वो तकरीबन हर प्रीसेंट में बनेंगी। बिल्कुल इसके साथ जो है वो मस्जिद आ जाती है, मस्जिद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आप कैमरे की आँख से मस्जिद भी देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, और इसके साथ ही एक वसी जो है वो पार्क दिया गया है, एक वसी पार्किंग दी गई है, और मस्जिद के बिल्कुल साथ जो है वो प्रीसेंट 10A का कमर्शियल आ जाता है। ये कैमरे की आँख से अगर आप देखें तो ये मस्जिद के बिल्कुल साथ आगे जितनी भी खाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये सारे का सारा प्रीसेंट 10A का कमर्शियल है, और यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग्स बनेंगी। ये 125 गज़ के प्लाट हैं, और यहाँ पर आप जो है वो ग्राउंड प्लस 6 की बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर आपके पास दो प्लाट एक साथ हैं तो आप ग्राउंड प्लस 8 की बिल्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे आप नहीं बना सकते, यहाँ पे आप ऑफिसेज इस तरह की चीज़ें ही बना सकते हैं। कुछ बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पे बन भी रही हैं, और कुछ आपको कैमरे की आँख से नज़र आ रही होंगी, कुछ की डिगिंग जो है वो शुरू है। अच्छा, इस वीडियो में ख़ास तौर पर जो हमारा मेन मकसद है वो है आपको 10A के विलाज़ के बारे में डिटेल फराहम करना। ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपको 200 गज़ के विला नज़र आ रहे हैं। ये लूप रोड पे इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं, और ये विला नंबर जो है वो 1 से शुरू होते हैं। इस वक्त ये 42, 43, 44 इस तरह जो है वो तमाम विलाज़ आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम यहाँ से टर्न लेंगे रोड 4 के ऊपर। रोड 4 पे जो है ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बहरिया की तरफ से मेंटेनेंस की हम अक्सर बात करते हैं, ये रोड को साफ़ करने के लिए ये मशीनरी है ख़ास तौर पर, और ये आप देख सकते हैं कि रोड्स को जो है वो साफ़ किया जा रहा है। इस वक्त हम रोड 4 पे आ चुके हैं, और ये 200 गज़ के विला हैं। आपने अगर पिछली वीडियोस भी देखी हों तो हमने आपको प्रीसेंट 2 में मौजूद जो है वो कायद विला की डिटेल फराहम की थी। ये भी वही सेम एलिवेशन के साथ 200 गज़ के विला हैं। यहाँ पर भी ग्राउंड फ्लोर पे आपको जो है वो डाइनिंग किचन, एक बेडरूम और ड्राइंग रूम मिलता है, और फर्स्ट फ्लोर पर आपको 2 बेडरूम मिलते हैं। ग्राउंड प्लस 1 की ये बिल्डिंग है, 200 गज़ के ये विलाज़ हैं, प्रीसेंट 10A के विलाज़ इनको कहा जाता है, और ये फुल हाइटेड एरिया है जहाँ पर ये विलाज़ बनाए गए हैं। यहाँ पे मस्जिद, गैलरी, हर चीज़ ऑपरेशनल है, और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पे मूव हो चुके हैं, और काफ़ी तादाद में विला जो हैं वो इस वक्त खाली भी हैं, और उनके ऊपर काम भी चल रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 70% जो है वो विलाज़ उनमें फैमिलीज़ मौजूद हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। आप देखें कि 10A और इसके बिल्कुल सामने जो है वो 11A आ जाता है, 11A के साथ ही नीचे 11B के विला आ जाते हैं। ये बहरिया टाउन कराची का मैं कहता हूँ कि सबसे पॉपुलेटेड एरिया बन चुका है, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वो आबाद हो चुके हैं। इसके साथ ही अली ब्लॉक आ जाता है, अली ब्लॉक में भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपने घर बनाए हैं। प्रीसेंट 8 में भी लोग घर बना के रहना शुरू हो गए हैं। साथ में बहरिया हाइट्स आ जाता है, बहरिया हाइट्स में भी लोग आबाद होना शुरू हो गए हैं। तो ये बहरिया टाउन कराची का वो एरिया है जहाँ पे लोगों ने आकर अपना घर बनाना शुरू कर दिया और यहाँ पे रहना शुरू कर दिया।
अच्छा, अभी इसके रेट्स की अगर मैं बात करता चलूं तो प्रीसेंट 10A के जो 200 गज़ के विलाज़ हैं, ये इसके रेट्स आपको तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर ही मिलते हैं। 2 करोड़ 10 से शुरू हो के ये आपको 2 करोड़ 25, 2 करोड़ 30 तक जो है वो आपको ये विलाज़ मिलते हैं। ब्रांड न्यू विद की और कोई कैटेगरी विला होगा तो वो आपको 2.30, 2.35 तक मिलता है। अगर स्लाइटली यूज़ और किसी स्ट्रीट्स का विला है जनरल, तो वो आपको तकरीबन 2.10 से 2.15 की ब्रैकेट में भी मिल जाता है। यही विला जो है वो प्रीसेंट 2 में मौजूद हैं, जिनको हम कायद विला कहते हैं। वहाँ पे रेट जो है वो तकरीबन 3.10 से लेकर 3.40 की ब्रैकेट में है। तो तकरीबन 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो है वो डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो बिल्कुल मेन गेट के साथ हैं, ये मेन गेट से थोड़ा सा आगे करके हैं। बाकी फ्रंट एलिवेशन सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी आ सकते हैं और रेजिडेंशियल पर्पज़ से भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो मूव हो चुके हैं। और आप अगर रेंटल रिटर्न लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आप अपना विला परचेज़ करके इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। जो इस वक्त 10A के विलाज़ का जो रेंट चल रहा है वो तकरीबन 55 से 60 की ब्रैकेट में, अगर कोई कैटेगरी विला है तो वो 65,000 भी उसका जो है वो पर मंथ रेंट होता है। तो ये सारे के सारे विला जो हैं ये काफ़ी मतलब कि अच्छे विलाज़ हैं, क्योंकि इनके दरमियान में जो है वो पार्क है और दोनों साइड पर जो है वो विला दिए गए हैं। तो इस तरह की कम्यूनिटी जो है वो आपको बहरिया टाउन कराची में अक्सर देखने को मिलती है। यहाँ पे लोग जो है वो बड़े पुरसकून अंदाज से और बड़े मतलब के अच्छे तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि बारिशों में यहाँ पे खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती है। क्योंकि घरों में पानी आना या रोड्स के ऊपर पानी खड़ा होना या बाकी जितने भी मसले मसाइल आपको कहीं और पे मिलते हैं देखने को, यहाँ पर वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। और बाकी तमाम मामला जो है वो आपको बहरिया टाउन की मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है, मेंटेनेंस का कोई मसला है, तो वो आपको डोर स्टेप पे आपकी तमाम जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो है वो लेबर जो है वो आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। तमाम मामला जो है वो एक सिंगल फ़ोन कॉल पर हल हो जाते हैं। तो रहने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बहरिया टाउन कराची में आगे अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं तो प्रीसेंट 10A जो है वो बहुत ही पुरसकून और हाइट का एरिया है। अच्छा, रात के वक्त यहाँ पर रौनक जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि रात को एक तो ये एरिया फुल हाइट का है और यहाँ पे हवा जो है वो हर टाइम जो है वो चलती रहती है। और वैसे भी वेस्ट ओपन ये तकरीबन ये प्रीसेंट बनता है, क्योंकि बहरिया टाउन कराची में जो हवाएं चलती हैं वो वेस्ट ओपन ही चलती हैं, इस वजह से वेस्ट ओपन की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हर टाइम जो है वो आपको हवा मिलेगी, हवादार विले हैं यहाँ पे। लोग जो है वो बड़े पुरसकून तरीके से अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे रहते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को मतलब के पुरसकून बनाना चाहते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो फुल पुरसकून यहाँ पे गुजारना चाहते हैं, तो प्रीसेंट 10A में जो है वो आप अपना विला ख़रीदें और यहाँ पर आकर जो है वो अपनी रिहाइश को इख्तियार करें। अपनी फैमिलीज़ के साथ एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा बहरिया टाउन कराची को, और ख़ास तौर पर प्रीसेंट 10A के विलाज़ को, तो इंशाल्लाह आपका ज़रूर माइंड बनेगा कि आप यहाँ पर शिफ्ट हों। तो प्रीसेंट 10A के किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए, या कोई विला आप ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, या रेंट के ऊपर भी आपको अगर विला चाहिए तो भी आप हमसे जो है वो रابطہ कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर मौजूद होगा, 9230804315 73 मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। 24/7 हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं यहाँ पर बहरिया टाउन कराची में। हर किस्म की प्रॉपर्टी की डिटेल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और किसी भी किस्म का अगर आप अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मशवरा करना चाहते हैं तो वो हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।